भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पच्चीस जून 1975 को इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए भारत में आपातकाल लगवाया था, लेकिन क्यों? ये कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब देश में लोकसभा चुनाव हुए थे। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता तो हासिल कर ली थी और रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जीत भी गई थी, लेकिन उनके खिलाफ खड़े हुए राज नारायण ने इंदिरा की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी पर लगे आरोपों को सही ठहराया और उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। साथ ही इंदिरा गांधी के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। सत्ता से बेदखल होने के डर से इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इंदिरा गांधी को फौरी राहत नहीं मिली। यानी कि अब इंदिरा गांधी का सत्ता से बाहर होना लगभग तय था, लेकिन देश को अपनी जागीर समझने वाले गांधी परिवार को यह मंजूर नहीं था और आखिरकार इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की प्लानिंग की। इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को राष्ट्रपति के साथ बैठक की और पहले से टाइप किए हुए मसौदे पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करा लिए, वो भी बिना अपनी कैबिनेट का समर्थन हासिल किए, और इस तरह इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर इमरजेंसी का कलंक लगा दिया। आपातकाल में लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंद करने के लिए पूरे देश को जेल बना दिया गया। अपने ही देशवासियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया, और ये सब केवल इसलिए ताकि गांधी परिवार से सत्ता का सुख छिन न जाए।